चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो के हटने के बाद आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप के लिए पतंजलि ने रुचि दिखाई है। पतंजलि आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है। पतंजलि के प्रवक्ता एस के तिजारावाला ने एक बयान में कहा, हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं ताकि पतंजलि को ग्लोबल मार्केट मिल सके। कंपनी बीसीसीआई को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। पतंजलि को होगा बड़ा फायदा। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि पतंजलि एक ग्लोबल ब्रांड नहीं है। अगर वह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनता है तो उसे ज़रूर फायदा होगा, लेकिन आईपीएल को इसका फायदा नहीं होगा। वीवो के जाने के बाद से आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप में जियो, अमेजॉन, टाटा ग्रुप, ड्रीम इलेवन और बायजू जैसी कंपनियां दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। बीसीसीआई आईपीएल 13 के नए प्रायोजक के लिए पूरी पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन करेगी। बीसीसीआई जल्द ही आईटीबी निकालने वाली है। स्पॉन्सर चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा क्योंकि बोर्ड पारदर्शिता चाहता है। इनविटेशन बिड के तहत नीलामी जीतने वाले को 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन का प्रायोजक नियुक्त किया जाएगा। वीवो से बीसीसीआई को मिलने थे 440 करोड़। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार की उठती मांग के बीच वीवो ने भी पिछले हफ्ते बीसीसीआई के साथ करार खत्म करने का फैसला किया था। वीवो इंडिया ने 2017 में आईपीएल टाइटल प्रायोजन अधिकार 2199 करोड़ रुपए के हासिल किए थे। करार के मुताबिक कंपनी को हर सीजन में बीसीसीआई को करीब 440 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए स्पॉन्सर शायद इतनी कीमत नहीं दे पाएंगे और बीसीसीआई को नुकसान होना तय है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल प्रायोजन करार के निलंबन होने को महज एक झटका करार दिया और उन चर्चाओं को खारिज किया कि इससे वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। वीवो के साथ खत्म हुई डील से सौरभ गांगुली क्या बोले? बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो के साथ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील के निलंबन को सिर्फ एक झपकी बताया है। उन्होंने कहा, मैं इससे वित्तीय संकट नहीं कहूंगा। गांगुली ने शनिवार को एक वेबिनार के दौरान कहा कि यह थोड़ा धूमिल है। बीसीसीआई एक बहुत मजबूत नींव है। खेल खिलाड़ी अतीत में प्रशासकों ने इस खेल को इतना मजबूत बना दिया है कि बीसीसीआई को ऐसी डील से टूटने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इस तरह की स्थितियां संभालने के लिए बोर्ड पूरी तरह सक्षम है। गांगुली ने आगे कहा कि आप अपने अन्य विकल्प खुले रखते हैं। यह प्लान ए और प्लान बी की तरह है। समझदार लोग इसे करते हैं, समझदार ब्रांड इसे करते हैं, समझदार कॉरपोरेट इसे करते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।